حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على تحية والإكرام على النبي الأمي المدني المكي الحاشمي الخرشي الأبتهي مولانا ومولو الثقلين إمامنا وإمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي الزهراء أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل لقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق बिसमरमी वत रसूल व उमरमिन सद्लाजीम अल्ला सल महमद वाल महमद वजराज हम आगाज़ कलाम में हम करना चाहूँगी उस परवरदिगार आलम के लिए कि जो रहमान है रहीम है वो परवरदिगार आलम जो हन्नान है जो मन्नान है ऊपरवरदिगार जो सत्तार उयूब है अलामूब है काशफल क़ुरूब है परवरदिगार कि जिसके कब्जे कुदरत में हम इंसानों की जान है परवरदिगार जो हम इंसानों से बेपनाह मोहब्बत करता है वही परवरदिगार आलम अपनी किताब क़ुरान मजीद में इस तरह से गोया सुखन हो रहा है कि अल्लाह का ज़िक्र कि अल्लाह की इतात करो रसूल की इतात करो और तुम में से जो उलिल अम्र हैं उनकी इतात करो यानी इताआत करना हमारे लिए लाज़िम है अगर हम बिना इताएत किए चाहे जो भी अमल अंजाम दे लें उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है लिहाजा हमें इस बात का ख़ास ख़्याल रखना है कि हमें अपनी ज़िंदगी में इतात को शामिल करना है क्योंकि बगैर इतात के ना तो मौला हमसे राजी हो सकते हैं और ना ही खुदा हमसे राज़ी हो सकता है आप देखें कि शैतान ने कितनी इबादतें की लेकिन एक इतात ना करने पर ख़ुदा आलम ने उसे कयामत तक के लिए रद्द कर दिया मरदूद बना दिया उसे तो हम जो कि इबादत भी ढंग से नहीं कर पाते खुदा की उसकी इताअत भी ना करें तो फिर हमारा क्या हाल होगा लिहाजा इस बात की तरफ़ तवज्जो देने की हम सब को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अदज़ाने मुहतरम माह मुहर्रम में हम सब हर साल चौदह सौ बरस पहले के वक़े को बार बार दोहराते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करते हैं और हर मज़हब को हर मिलत को हर कौम को हर कम्युनिटी को हर सिविलाइजेशन को अपने अपने बुज़ुर्गों के अयाम मनाने मनाने का पूरा हक़ हासिल है लेकिन ज़िक्र इमाम गम इमाम एक ऐसा ज़िक्र है इस पूरी दुनिया में कि जो किसी ख़ास कम्यूनिटी से मखसूस नहीं है किसी ख़ास सिविलाइजेशन से मखसूस नहीं है किसी ख़ास कबीले से मखसूस नहीं है बल्कि इमाम हुसैन का ज़िक्र इमाम की शख्सियत आलम इंसानियत के लिए एक दर्ज है एक नमूना है कि जिसे देखकर इंसान अपनी ज़िंदगी को सही राह पर ले जा सकता है ये हमारे ऊपर मुनहसर करता है कि हम उस चीज़ को फॉलो करते हैं या फॉलो नहीं करते हैं करबला में जितने दर्द हमें करबला से मिलते हैं जितने दर्द समय करबला देती है हम उन सब को अवॉइड करके फ़कत या हुसैन या हुसैन के नारे लगाते हैं या हम उन चीज़ों को भी प्रायोरिटी देते हैं ये कम्प्लीटली हमारे ऊपर डिपेंड करता है अगर हम ऐसा करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है हम अपने इमाम के मकसद को पूरा कर रहे हैं लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बस एक बुद्ध की हैसियत दे दी है जिससे हम कोई इस्तेफादा नहीं कर रहे हैं बस हम उनकी तारीफ़ें किए जा रहे हैं उनके मनकबत पढ़ते जा रहे हैं और उनके मसायब पढ़ते जा रहे हैं ये सब भी हमें करना है लेकिन इसके साथ साथ मकसद हुसैन को हमें नहीं भूलना है अजीज़ा ने मोहतरम करबला में एक दर्स हमें ऐसा मिलता है जो बिलखसूस आज के ज़माने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आखिरी ज़माना है और हमारे रसूल ने आखिरी ज़माने की जितनी भी प्रडिक्शन की है जितनी भी पेशीनगोया की हैं उन तमाम पेशीनगोयों में इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा ज़िक्र हुआ है और वो टॉपिक कौन सा है वो ये है कि आखिरी ज़माने में हलाल और हराम आपस में इस तरह से मखलूत हो जाएंगे कि लोगों को समझ नहीं आएगा और अगर समझ आ भी जाएगा कि हाँ ये हराम है ये हलाल है तो लोग इतनी तवज्जो उस पर नहीं देंगे अब करबला का इससे क्या कनेक्शन है लु़म हराम का तो मैं आपको बता दूं करबला का इससे बहुत बड़ा कनेक्शन है क्योंकि तारीख़ बताती है कि जिस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई भी असाब अंसार ना बचा और इमाम तनो तनहा थे तो जब इमाम मैदान में आए तो आपने उस वक्त एक खुतबा दिया क्योंकि इमाम का काम है हुज्जत तमाम करना इमाम ने खुतबा दिया कि मुझे क्यों मार रहे हो मुझे मत मारो अपने हाथों को गुनाहों में आलूदा ना करो लेकिन इमाम के खुतबा देने के बाद भी किसी के ऊपर जर्रा बराबर भी असर ना हुआ और वो पूरा लश्कर बुत बना खड़ा हुआ था किसी ने एक जवाब भी नहीं दिया इमाम को जब इमाम ने यह मंजर देखा तो एक मरतबा इमाम ने कहा कि तुम्हारे शिकम लुम हराम से इस कदर पुर हो चुके हैं कि तुम्हारे ऊपर किसी भी नसीहत का असर नहीं हो सकता तो यानी यह नतीजा सामने निकल कर आता है कि लक़म हराम हमारे अंदर एक ऐसा असर छोड़ता है कि हम सही और गलत को पहचानना भूल जाते हैं आप करबला में इसकी मिसाल देखें कि लोग नवास रसूल के मुकाबले में आकर खड़े हो गए लोग व, लोग इमाम वक्त के मुकाबले में आकर खड़े हो गए और उसकी इल्लत इमाम ने खुद बता दी कि तुम्हारे तुम्हारा शिकम लु़म हराम से पुर हो चुका है इसलिए तुम्हारे ऊपर असर नहीं हो रहा है आज का ज़माना ऐसा ही ज़माना है बहुत सी चीज़ें आपस में मखलूत हैं और हमें इस बात की तरफ तवज्जो देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनके घर में छोटे बच्चे हैं उन पेरेंट्स के लिए जो अपने बच्चों की तरबियत कर रहे हैं उन्हें इस तरह से अपने बच्चों की तरबियत करें कि उनके अपने बच्चों के ऊपर इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि हमारे बच्चे किस राह पर जा रहे हैं क्या खा रहे हैं क्या पी रहे हैं क्या पढ़ रहे हैं क्या देख रहे हैं क्योंकि हराम हराम चीज़ फ़कत खाने का नाम नहीं है बल्कि हराम अमल भी होता है हराम निगाहें भी होती हैं कुछ हराम ऐसी चीज़ें होती हैं कि आपने उसे देख लिया वो हराम है वो देखना लेकिन हम देख रहे हैं तो हराम फ़कत खाने पीने से मखसूस नहीं है बल्कि अमल में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हराम है तो ऐसे माहौल में कि आज का माहौल जो कि बहुत ज़्यादा पुराशो माहौल है आखिरी ज़माना है गुनाह इतने चारों तरफ बढ़ चुके हैं हमें ख़ुद को और अपने घर में जितने भी हमारे बच्चे मौजूद हैं उन सब को सही डायरेक्शन में चलाना कॉम्प्लिकेटेड भी है और ज़रूरी भी है लिहाजा करबला के इस दर्ज को हमें ज़रूर याद रखना है तारीख बताती है कि शब आशूर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उम्र सात को बुलाया और उम्र साद को बुलाकर कहा कि मुझे क्यों मारते हो अपने हाथ को मेरे खून से क्यों आलूदा करते हो क्या तुम नहीं जानते कि मैं वक्त का इमाम हूँ क्या तुमने नहीं सुना कि मेरे नाना ने मेरे बारे में क्या फरमाया कि मैं जन्नत के जवानों का सरदार हूँ तुम्हें किस बात का खौफ है तुम्हें किस बात का डर सता रहा है अगर तुम्हें यह डर है कि तुम्हारी जान को ख़तरा है तो मैं हुसैन इबन अली तुम्हारी ज़मानत लेता हूँ अगर तुम्हें अपने बीवी बच्चों का ख़तरा है मैं उनकी भी ज़मानत लेता हूँ अगर तुम्हें ये इस बात का ख़तरा है कि तुम भूखे प्यासे मर जाओगे हुसैन उसकी भी ज़मानत लेता है लेकिन खुदा के वास्ते इस कत्ल से बाज़ आ जाओ उमर साथ खामोश है एक मरतबा इमाम ने फिर कहा कि मैं ज़मानत लेता हूँ बाज आ जाओ क्या वजह है कि जो तुम इस गुनाह में अपने हाथों को मेरे खून से रंग रहे हो वो साथ कहता है मैं जानता हूँ कि आप इस वक्त के इमाम हैं मैं जानता हूँ कि आपके नाना ने फरमाया है कि आप जवान जन्नत के सरदार हैं लेकिन मैं मजबूर हूँ इमाम ने कहा तुम्हारी क्या मजबूरी है उमर साद ने कहा कि मुझे यजीद ने वादा किया है कि अगर मैं आपका सर कलम करके ले जाऊंगा तो वो मुझे रे की हुकूमत देगा इतना सुनना था कि इमाम ने कहा कि तुझे रे की हुकूमत का कि तुझे रे की हुकूमत में से गंदम का एक दाना भी नसीब नहीं होगा और वही हुआ कि बाद शहादत इमाम हुसैन उमर साद को रह की हुकूमत नहीं मिली इमाम ने पहले ही प्रडिक्शन कर दी थी कि तुम्हें एक दाना नसीब नहीं होगा तुम हुकूमत की बात कर रहे हो आप देखें तस्वुर करें कि लुकमय हराम का असर और इस दुनिया की लालच का असर इतना ज्यादा हो जाता है कि वक्त का इमाम सामने खड़ा रहकर नसीहत करता है मगर लोगों के समझ में नहीं आता है और वहीं दूसरी तरफ आप देखें कि जिन्होंने अपने वक्त के इमाम की पैरवी करी खुदा की रज़ा में राज़ी रहना चाहा और जिन्होंने कभी भी हराम लक़मे को हाथ नहीं लगाया उनके सामने उसी इमाम ने चराग को बुझा दिया और कहा कि जिसे जाना है चले जाओ और जब दोबारा चराग को रोशन किया तो जितने पहले मौजूद थे उतने बाद में भी मौजूद थे और बाद में सब ये कहने लगे कि ऐ मेरे आका ए, मे, ए मेरे मौला अगर हम आपके साथ सत्तर बार कत्ल किए जाएं हमारे टुकड़े कर दिए जाएं और सत्तर बार हमको जिंदा किया जाए और फिर मारा जाए हम तब भी आपका साथ छोड़कर हरगिज़ नहीं जाएंगे कितना अजीम दर्ज है ये अपने आप में जो हमें करबला से मिलता है एक दूसरा दर्स जो हमें करबला देती है वो ये कि हम चाहे कितने भी लाचार क्यों ना हो जाएं हम चाहे कितने भी बेबस क्यों ना हो जाएं हमारा सब कुछ हमसे छिन जाए लेकिन हमें हमेशा शुजात से काम लेना है बहादुरी से काम लेना है और डट कर दुश्मन का मुकाबला करना है किसी भी सूरत में दुश्मन के आगे झुकना नहीं है और ये दर्स हमें बेहतरीन कौन दे रहा है ये दर्स बेहतरीन हमें करबला में दिखाई देता है सैदा जैनब की ज़ात से क्या आप देखें कि बीबी बाद शहादत इमाम हुसैन बीबी को असीर कर लिया गया बीबी की रिदाएँ छीन ली गई हाथ बंधे हुए हैं रस्सियों में असीर कर लिया गया ना भाई है ना भतीजे न बेटे कोई नहीं है वारिसों की लाशें करबला की तपती हुई रेत पर पड़ी है दर बदर फिराया जा रहा है और उसके बाद इस हालत में जब आपको दरबार यजीद में लाया गया है और दरबार यजीद और यजीद कहते हैं कि उस वक्त का सबसे ताकतवर बादशाह था और यजीद का दरबार क्या दरबार था उसका आज भी जो लोग वहाँ पर जा चुके हैं ज्यारत करने वो बखूबी जानते हैं कि क्या शान शौकत वहाँ की और वहाँ पर ऐसे सिचुएशन में जब बीबी को ले जाया गया है तो बीबी के क़दमों में ज़र्रा बराबर भी लफ्जिश नहीं आई और जिस वक्त बीबी को यजीद के सामने खड़ा किया गया तो यजीद ने कहकहा लगाना शुरू किया और कहा कि देखो तुम्हारे खुदा ने तुम्हारे साथ क्या किया है एक मर्तबा सैदा ज़ैनब कहती हैं वमा रई तो जमीला कि हमने सिवाय ख़ूबसूरती के और कुछ भी नहीं देखा यजीद कहता है एक हारे हुए का इस तरह से जवाब देने के अलावा उससे और क्या उम्मीद की जा सकती है और यह कह कर वो मुस्तकिल हंसता हस्त, रहा एक मरतबा सैदा जैनब ने कहा ए यजीद तो हमें मार कर हमें असीर कर कर यह समझता है कि तू कामयाब हो गया है हरगिज़ नहीं क्या तूने कुरान में वो आयत नहीं पढ़ी कि जिसमें खुदा बंद आलम ने यशात फरमाया कि हमने ालमीन की रस्सी को ढील दे दी है कि वो जितना चाहें गुनाह कर लें अपने गुनाहों में इजाफ़ा कर लें हम एक साथ उनसे उनके गुनाहों का हिसाब लेंगे और अयजीद तुझे क्या लगता है कि मैं इस बात से बहुत ज़्यादा गमज़दा हूँ कि हुसैन को करबला में तूने मार दिया है मैं इस बात से गमज़दा हूँ कि अब्बास को तूने मार दिया हमारे वारिसों को तूने शहीद कर दिया नहीं अज़ीज़ शहादत तो हमारे घर की मीरास है मेरे ऊपर सबसे बड़ा मसायब ये नहीं है कि हमारे वारिसों को शहीद कर दिया गया बल्कि जैनब के ऊपर सबसे बड़ा मसायब यह है कि मुझ जैसे को आज तुझ जैसे से बात करनी पड़ रही है जरत जनाब जैनब के अंदर कहां से आई कि ऐसे हालात में भी बीबी एक ऐसे बादशाह का कि जो उस वक्त का सबसे ताकतवर बादशाह था इस तरह से आप मुकाबला कर रही है कि दरबार में जितने भी लोग बैठे थे खामोश हो गए और घबरा गए कि ऐसी आलम में गिरफ्तार होकर भी एक खातून इस तरह से खिताब कर सकती है ये वही दर्स है कि जो जनाब ज़ ने अपनी माँ फ़ातिमा जहरा से लिया था कि जब जनाब सैदा के ऊपर भी ये वक्त पड़ा था तो आपने भी ऐसे ही ालिमों के सामने जाकर ऐसा ख़ुतबा दिया था कि उस वक्त भी लोग बैठकर सोचने पर मजबूर हो गए थे कि अगरचे तनहा है अगरचे मज़लूम है अगरचे तनहा कर दी गई है मगर इसको अपना हक़ पहचानना आता है इसको अपने दिफा में बोलना आता है दर्द सैदा जैनब को अपनी माँ फातिमा जहरा से मिला है कि चाहे हमारा सब कुछ हमसे छिन जाए लेकिन हम हक के ही रास्ते पर रहेंगे ये दर्द हमें करबला की इन खुत ने दिया अजादारों करबला में जितने भी मसाइब हुए हैं वो जितने मर्दों पर हुए उससे कहीं ज्यादा खातून पर हुए हैं अगर हम शुरुआत से देखें तो जनाब फातिमा के ऊपर कौन सा ऐसा जुल्म था जो नहीं हुआ उसके बाद करबला में जनाब ज़ैनब के ऊपर जनाब सकीना के ऊपर गरज़ के जितनी भी ख़वात थीं कैसे कैसे सितम हुए लेकिन उन तमाम बीबियों ने उन तमाम सितम को बर्दाश्त किया क्यों क्योंकि खुदा की रज़ा में राज़ी रहना था जो ख़ुदा की मशीयत थी उसको एक्सेप्ट करना था आज़ादारों तारीख़ बताती है कि जनाब जैनब को अपने भाई से इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि आप इमाम हुसैन के दीदार के बग़ैर रह नहीं पाती थीं। आप सोचें कि उस बहन के ऊपर क्या गुज़री होगी कि जब इमाम हुसैन ने आकर ख़ैमे में कहा होगा कि मेरा आखिरी सलाम कबूल करो करबला में जब हुसैन के तमाम असहबो अनसार शहीद हो गए इमाम हुसैन तन्हा बचे एक मरतबा इमाम हुसैन ख़ैमे में खैमे में बड़ी लाचारी के साथ आए और आकर आवाज़ दी ए जैनब कुलसूम ए रबाब सकीना रुकैया हुसैन का आखिरी सलाम कबूल करो मैं नहीं जानती कि जनाब जैनब ने और बाकी बीबियों ने किस तरह से इमाम हुसैन को रुखसत किया और किस तरह से इस अजीम सदमे को बर्दाश्त किया होगा एक मरतबा इमाम हुसैन अपने घोड़े की तरफ़ बढ़े कि घोड़े पर सवार हो जाए दाई जानब देखा बाई जानब देखा कोई सवार करने वाला नहीं है एक मरतबा फुरात की तरफ़ देखा आवाज़ दी अब्बास क्या हुसैन को आकर सवार नहीं करोगे इसी असना में जनाब ज़ैनब आगे बढ़ी कहा भैया आज ये बहन आपको सवार करेगी जनाब जैनब ने इमाम हुसैन को घोड़े पर सवार किया इमाम हुसैन मैदान कताल में आए एक तवील खुतबा दिया कि ए दियो मेरे कत्ल से बाज़ आ जाओ अगरचे तुमने मेरे अकबर को मारा तुमने मेरे अब्बास को मारा यहाँ तक कि तुमने मेरे असगर को भी मार दिया लेकिन अगर तुम अभी भी बाज आ जाओगे तो ये हुसैन तुम्हें माफ़ कर देगा मगर अल्लाह अकबर कैसा दिल था उन लोगों का कि उन लोगों ने इमाम हुसैन की एक भी बात ना सुनी और इमाम हुसैन से जंग करनी शुरू कर दी इमाम हुसैन शुजाना जंग करते जा रहे थे कि मरतबा वाज है हुसैन अब जंग को तमाम करो इमाम हुसैन ने अपनी तलवार को न्याम में रखा जैसे ही तलवार इमाम ने न्याम में रखा भागी हुई फौज वापस आ गई और इमाम हुसैन के ऊपर वार करने लगी तारीख बताती है कि दुश्मन के दुश्मनों में से कुछ लोग ऐसे थे जिनके पास न तीर था न तलवार थी तो वो लोग करबला की तपती हुई खाक को उड़ा रहे थे जो कि इमाम हुसैन के चेहरे मुबारक पर पड़ रही थी इसके बाद इमाम हुसैन को जख्म से इतना चूर कर दिया कि इमाम हुसैन से घोड़े पर संभला न गया आप जीन से ज़मीन पर आए अब जैसे ही आप ज़मीन पर आए तो इमाम हुसैन का जुलझना इमाम हुसैन का तवाफ़ करने लगा और दुश्मनों को इमाम हुसैन के नज़दीक नहीं आने दे रहा था शिमर चाह रहा था कि किस तरह स... से इमाम का सर कलम करे लेकिन जुलजना किसी भी हालत में इमाम हुसैन को नहीं छोड़ रहा था कि एक मरतबा एक शख्स ने जुलजना के ऊपर तीर फेंकना शुरू किया तो एक मरतबा उमरे साथ कहता है अरे लोगों इस जुलजना के ऊपर तीर मत चलाना मैंने देखा है इस घोड़े पर रसूल सवारी करते थे मैं कहूँगी कैसे दुश्मन थे वो इमाम के जिन्हें उस घोड़े का तो ख्याल था कि जो कि जिन्हें उस घोड़े का तो ख्याल था जिस पर रसूल सवारी करते थे मगर उस हुसैन का ख़्याल ना था कि जिसको रसूल ख़ुद अपने दोष पर बिठाते थे गरज़ के शिमर आगे बढ़ा इमाम के सर को तन से जुदा किया और फ़िज़ा में एक आवाज़ गूंजी, अला क़ुतल हसैैन वबला अलाजुबःल हसैैन बरबला इला व इन्ना राज